अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज मनी इन द बैंक पर सीएम पंक के अपीयर होने को लेकर बैकस्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अंकल हाउडी के फैक्शन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद अंकल हाउडी के फैक्शन का नेम रिवील हो चुका है। दी अंडरटेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन रिंग रिटर्न को लेकर टेकर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर व्यू कहाँ होगा इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रॉ और स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। वल बात करें अगर यहां पर रॉ के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका रॉ किया था तो रॉ को 1.6 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बड़ी सप्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो रॉ को 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 100,000 से ज्यादा है। और बेसिकली व्यूअरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का रॉ काफी सक्सेसफुल रहा है। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर अगर हम यहां पर स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की बात करें तो गाइज दो हफ्ते पहले जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश एट द कासल शो के गो होम एडिशन स्मैकडाउन को मात्र यहां पर 1.9 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो यहां पर इस साल स्मैकडाउन की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइज डेफिनेटली यहां पर स्मैकडाउन के एनबीए फाइनल्स के साथ हेड टू हेड होने की वजह से स्मैकडाउन के व्यूअरशिप गिरी गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकइंटायर ने उनके प्रोमो के जरिए ये क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम नहीं करना चाहते गए और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट कर रहे गए। और यही मंडे नाइट रॉ पर स्टोरी लाइन के अंदर ड्रू मैकइंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्विट करने के बाद अब ड्रू मैकइंटायर ने उनका ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों ही अकाउंट हटा दिया है। और गाइस ड्रू मैकइंटायर सोशल मीडिया के ऊपर उनके सभी अकाउंट को डीएक्टिवेट कर चुके गए, और बेसिकली ड्रू मैकइंटायर इस स्टोरी लाइन को रियल दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेफरेंस हटा रहे गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैकइंटायर के सोशल मीडिया पर अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकइंटायर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रॉ पर अपीयर होने की, तो गाइस यही फाइनली काफी महीनों तक टीज होने के बाद इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर अंकल हाउडी और उनके फैक्शन के अपीयर होने के बाद अब इस फैक्शन के नेम को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोशल मीडिया के ऊपर अंकल हाउडी के रिटर्न फैक्शन का वीडियो शेयर किया है, और अंकल हाउडी के इस वीडियो को शेयर करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस फैक्शन के नेम को वायर्ड सिक नाम से रिवील किया है। और गाइस अंकल हाउडी के फैक्शन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब वायर्ड सिक नाम को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टी शर्ट भी लॉन्च कर दिया है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वायर्ड सिक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने के बाद अंकल हाउडी का ये फैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कैसा काम करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अंडरटेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एंडिंग रिटर्न की। वल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ सालों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के रसलमेनिया के ऊपर अंडरटेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका रिटायरमेंट ले लिया था। बट टेकर के रिटायर होने के बाद भी वो यहां पर टाइम टू टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हमें यहां पर अपीयर होते हुए दिखाई देते गए, और लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के रसलमेनिया 40 के ऊपर अंडरटेकर ने यहां पर रॉक के ऊपर अटैक किया था। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अंडरटेकर के इनरिंग रिटर्न को लेकर टेकर का इस हफ्ते काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर अंडरटेकर का ये कहना है कि यहां पर उनके रिटायर होने के बाद वो रेसलिंग रिंग को बहुत ही ज्यादा मिस करते गए, और वो यहां पर जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर बैक स्टेज एरिया पर मौजूद होते गए और वो बाकी रेसलर्स को रिंग में कम्पीट करते हुए देखते गए, तो उन्हें यहां पर हमेशा ये मन करता है कि वो भी अरीना में जाकर क्राउड के सामने परफॉर्म करे। और गाइज अंडरटेकर यहां पर आज भी रेसलिंग रिंग के अंदर रिटर्न करना चाहते गए, बट गाइज क्योंकि अंडरटेकर की बॉडी अब यहां पर रिंग के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकती गए और टेकर की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी गए, तो गाइज अंडरटेकर चाह कर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिंग के अंदर उनका रिटर्न नहीं कर सकते गए। और अंडरटेकर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि वो यहां पर रिंग के अंदर आकर किसी खराब मैच के अंदर परफॉर्म करे। और कुछ इस तरीके से टेकर ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर रिंग के अंदर रिटर्न तो होना चाहते गए, बट गाइज उनकी एज के ज्यादा होने की वजह से शायद यहां पर वो दोबारा परफॉर्म नहीं करेंगे। वो अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर दोबारा कभी रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड ब्लड की। बोला ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली इस साल उनके बैड ब्लड पेपर व्यू को एक बार फिर से वापस लाने वाली गए। और गाइज इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का बैड ब्लड पेपर
व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली सेम डेट के ऊपर लाने वाली गए, जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला ब्लड बैड ब्लड पेपर व्यू हुआ था और पॉसिबली अक्टूबर महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पेपर व्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्टेट फॉर्म अरीना के अंदर होल्ड करेगी, जहां पर इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर पॉसिबली हेल इन अ सेल मैच देखने को मिल सकता है। वेल आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, क्लैश एट द कासल पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो पर पंक एक बार फिर से रिटर्न करने वाले गए, और यहीं सीएम पंक इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर उनके मेडिकल कंडीशन को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, और वो यहां पर फैंस को ये बताने वाले गए कि वो रिंग के अंदर दोबारा से रिटर्न कब करेंगे। वेल वैसे तो स्मैकडाउन पर सीएम पंक ये खुद बताएंगे कि वो यहां पर रिंग पर रिटर्न कब करेंगे, बट गाइस बॉडी स्लैम की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर समर स्लैम से पहले रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न करने की, तो गाइस यहां पर बॉडी स्लैम के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक मेडिकली रेसल करने के लिए क्लियर नहीं होने वाले गए, क्योंकि अब भी यहां पर पंक के इंजरी के अंदर उन्हें यहां पर रिकवर करने में करीबन एक महीने लगने वाला है, और इसीलिए ये करंटली इम्पॉसिबल है कि सीएम पंक जुलाई महीने के अंदर मनी इन द बैंक पर कम्पीट करे। वेल गाइस यहां पर बॉडी स्लैम ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि पंक यहां पर मनी इन द बैंक पर कम्पीट तो नहीं कर सकते गए, बट समर स्लैम तक पंक मेडिकली क्लियर होने वाले गए, और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर समर स्लैम के ऊपर सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर फाइनली आमने सामने होते हैं या नहीं, और इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर सीएम पंक यहां पर कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। वेल आप यहां पर पंक के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।